How to lose belly fat in one week at home. एक समय पे मैं भी बहुत मोटी हुआ करती थी और पेट तो वाकई में ही बहुत ज्यादा मोटा था। कई बारी हम इतना वजन ज्यादा होता है, जमीन पे बैठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकते, खड़े होके नहीं करते, घुटनों में बहुत दर्द होता है, तो बैठे बैठे वजन हमने करा है अपना गेन, और बैठे बैठे ही मैं आपकी मदद करूंगी वजन कम करने में भी। तो आ जाइए जल्दी से ये वाली एक्साइटिंग एक्सरसाइजेस देखते हैं। तो हमने शुरू कर दी है उल्टी गिनती अपनी टॉप 5 बेली फैट एक्सरसाइजेस की। इस एक्सरसाइज के लिए हमने इस प्रकार से अपनी कुर्सी पे पीछे होके बैठ जाना है, अपने पेट को एकदम अंदर सक इन करना है, बिल्कुल स्ट्रेट अपनी बैक को रखना है, और हमने इस प्रकार से अपने एक नी को उठाना है और चेस्ट से लगाना है, और उसको हमने घुटने से नहीं लेकिन शिन से पकड़ना है पैर को। और जब हम अपने पैरों को उठाएंगे तो लाजमी है हम सांस छोड़ेंगे, अंदर तो अपने आप चला ही जाएगा, आप सिर्फ छोड़ने पर ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज करेंगे हमारी डाइजेशन को बहुत ही बढ़िया बना देगी, और आप तो जानते ही हैं कि बॉडी में फैट स्टोर तब भी होता है जब वो डाइजेस्ट नहीं होता, और तो और ये डीप ब्लोटिंग में भी बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको वाटर रिटेंशन होती है, ब्लोटिंग, गैस की फीलिंग होती है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। और ध्यान से नोट करिएगा, मेरे पैर ऐसे नहीं हैं, ना ही ऐसे हैं, ये इस प्रकार से हैं, ना सीधे ऐसे, ये नीचे की तरफ मैंने पॉइंट करे हुए हैं। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही इस एक्सरसाइज को ध्यान से करिएगा, 10 से 20 बार आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। नंबर 4 पर है बड़ी ही सटीक एक्सरसाइज, जो कि हमारे स्टमक का जो आगे का बल्ज होता है उसको एकदम फ्लैट करने में हमारी मदद करेगी। उसके लिए हमने पैरों को इस प्रकार से इतने डिस्टेंस तक खोलना है, और हमने पीछे आसानी से कुर्सी के ऊपर बैठ जाना है, और हमने अपने हाथों को इस प्रकार से ऐसे नीचे छूना है, एक हाथ को ऊपर रखना है, और नीचे जाते समय सांस को छोड़ेंगे। ऊपर आते समय लाजमी है सांस अपने आप अंदर आ जाएगी, और फिर दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें पोस्चर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये आप रोज कर सकते हैं 10 से 20 बारी। अगर आप पूरा भी नीचे नहीं झुक सकते शुरू शुरू में, तो आप इतना भी अगर झुकेंगे और सिर्फ हाथों को ही ऐसे कर लेंगे तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज को जरूर ट्राई करिएगा, और पूरे 10 काउंट्स तक आसानी से हो भी जाएगा आपसे। अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब 3rd एक्सरसाइज के लिए भी हम इस प्रकार से चेयर के पीछे आराम से अपनी बैक को टेक लगा के बैठ जाएंगे, और हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे चेयर को पकड़ने में, अपने पैरों को इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे, टोज को पॉइंटिंग आउट और ऊपर की तरफ लेके आएंगे। बहुत ही असरदार एक्सरसाइज है जो लोअर बेली फैट है उसके लिए। आप मानेंगे नहीं, इतनी जल्दी आपको फर्क महसूस होगा कि आप कहेंगे वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि बैठे बैठे इतनी आसानी से मैं वजन भी कम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखिए, ये बड़ी ही इजी एक्सरसाइज है, और चेस्ट तक अपने पैरों को लेके आइए और सांस छोड़िए, जितना ऊपर ला सकते हैं लेके आइए। मेरे को पता है थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि मुश्किल है आगे तक पैर लाना चेस्ट में, जितना ला सकते हैं उतना लेके आइए। अब जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नंबर 2 एक्सरसाइज बहुत ही असरदार है, और सिर्फ 3rd एक्सरसाइज का एक्सटेंशन मानिए इसको। तो इसमें भी आपने इसी प्रकार से ऐसे अपने पैरों को लाना है, और हमने साइड की तरफ बेंड करना है, ये देखिए इस तरह से। ये तो हमारे साइड के जो बल्ज है, लटकता हुआ फैट है, सब कुछ गायब कर देगा, और तो और जो लव हैंडल सब की परेशानी का सबब बने रहते हैं, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो मान लीजिए अगर आपका शर्ट साइज है 34, तो आपको 36 साइज पहनने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सरसाइजेस तो मैं आपको कराती ही रहती हूँ, लेकिन डाइट का क्या? अगर डाइट पे ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब वजन जरूर पुट ऑन होगा। तो अगर आपको हेल्दी खाना खाना है तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे जरूर जाके न्यू रेसिपीज देखिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। मैंने इतनी एक्साइटिंग न्यू वेट लॉस रेसिपीज अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे रखी हैं कि आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, टेस्ट भी मिलेगा, वेट लॉस भी होगा, और तो और फैट कटर ड्रिंक्स भी हैं। जल्दी से आइए, लास्ट और नंबर 1 एक्सरसाइज मैं दिखाती हूँ आपको।
इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपने चेयर के बीचों बीच बैठना है, अपनी बैक को स्ट्रेट रखिएगा या फिर जैसे आपको कंफर्टेबल फील होता है। मेन तो हमारा है कंसर्न कि हमारा जो हैंड्स और फीट हैं उनकी हमें मूवमेंट का ध्यान रखना है। अपने टोज को हमने आउट पॉइंट करना है, आर्म्स को रखना है बिल्कुल स्ट्रेट और हमने अपने लेग्स को इस प्रकार से अपने नी से टच करना है, सॉरी हैंड्स को नी से टच करना है। ये देखिए हमारी एल्बोज और नीज जुड़ेंगी और बहुत ही असरदार एक्सरसाइज है। अगर आपने ये वाली एक्सरसाइज कर ली तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ रामबाण इलाज है आपके बेली फैट का। तो इसको आसानी से 10, 20 या 30 बारी भी कर सकते हैं दिन में और फिर देखिए कितनी जल्दी आपको दिखेगा आपकी बेली फैट कम होते हुए और सारी पुरानी जीन्स निकाल के आप पहन सकते हैं। फिर मिलूंगी बहुत सारे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ में। बाय बाय, सी यू सून।